हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रुति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। टेकोमा का प्लांट जो कि शुरू में 12 इंच के गमले में लगा था, अब काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर चुका है। लास्ट ईयर भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी और इस बार भी अच्छी फ्लावरिंग है, लेकिन अभी प्लांट पे आपको एक भी फूल नहीं दिखाई देगा। उसका भी एक रीज़न है। तो अभी ये ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया था हमने, तब से इसकी हाइट काफ़ी अच्छी हो गई है। तो अगर आपको प्लांट्स की हाइट अच्छी बनानी है तो शुरू में 12 इंच के गमले में रखिए एक दो साल प्लांट, और फिर बाद में आप ग्रो बैग में उसे शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी नीचे की जो ग्रोथ है प्लांट की उसको हटाते रहें, ऊपर की ग्रोथ पे फोकस करेंगे तो हाइट ज़्यादा होती है। तो अभी प्लांट पे देखिए, ये जो सूखी आप टहनियाँ देख रहे हैं ये फ्लावर स्पाइक्स हैं, यानी कि इसमें ही फूल खिल के पूरे हो चुके हैं। और कुछ दिन प्लांट रेस्ट करता है, फिर से इसमें न्यू शूट्स आती हैं और न्यू शूट्स में ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग होती है। आजकल आप टेकोमा प्लांट देख रहे होंगे, डिवाइडर पर भी लगे हुए होते हैं, रोड साइड भी लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग रहती है, क्योंकि वो ज़मीन वाले पौधे होते हैं और ज़मीन में वो अच्छे पेड़ भी बन जाते हैं। लेकिन जब आप इसको पॉट में ग्रो करते हैं तब इतनी ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग नहीं मिल पाती है। तो इसमें जो ये गमले में रहता है तो ये रुक रुक कर फ्लावर्स देता है, और ऐसा येलो टेकोमा में नहीं है, ऐसे आपके पॉट्स में लगे हुए ज़्यादातर प्लांट्स में होता है। तो अभी देखिए, सभी शूट्स पे फ्लावर बड्स हैं। जब भी कुछ दिन पहले हम ये वीडियो आपसे शेयर करना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे पास कमेंट्स हैं कि हमारे टेकोमा प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो देखिए, अभी तब तक इस पर कलियाँ नहीं आई थी, इसीलिए आपसे वीडियो नहीं शेयर किया, क्योंकि एक फ्लावरिंग के बाद फिर रेस्ट करेगा, फिर न्यू फ्लावरिंग होगी। तो अब इसमें सभी शूट्स में आप देख सकते हैं धीरे धीरे कलियाँ बन रही हैं, और आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना चाहिए। कोई भी प्लांट है वो लगातार फूल नहीं देगा, क्योंकि एक पॉट में एक सीमित उसमें मिट्टी होती है और एनर्जी सेव करनी होती है, प्लांट को दोबारा से एनर्जी फिर से बनानी होती है। तो अगर कभी भी फ्लावरिंग होने के बाद रुक जाए तो फिर से आप थोड़ा सा खाद डाल दीजिए पौधे में, चाहे गोबर खाद हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे आप किचन वेस्ट मैन्योर से बना रहे हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, थोड़ा सा खाद डाल देंगे, उससे वो दोबारा से ताकत प्लांट को मिलती है और दोबारा से वो कलियाँ बनाने के लिए तैयार हो जाता है। अब देखिए, हर इस पे शूट पे आपको नई नई कलियाँ दिखाई देंगी। तो ये इसी वजह से होता है कि प्लांट अपनी एनर्जी दोबारा से पा चुका है, तो अब वो दोबारा से ग्रोथ करेगा। बाकी सूखी फ्लावर स्पाइक इस प्लांट पे अगर हटा सकते हैं तो हटा दें, और नहीं भी हटा रहे हैं तो भी इस प्लांट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइड से उसमें डबल शूट्स बन जाती हैं। तो अभी आप इस प्लांट की कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं, और अगर आपके पास सीड्स हैं तो सीड से भी आप ग्रो कर सकते हैं। अब देखिए, ये सूखी हुई फ्लावर स्पाइक है, फूल खिल चुका था मेन ब्रांच से, तो वहाँ पे ये जो फूल खिल चुका है वहाँ की फ्लावर स्पाइक जब सूख गई तो साइड में इसमें डबल शूट्स बनी। इसी के साइड में आप देखेंगे तो ये डबल शूट्स इसमें बनी है, और उन डबल शूट्स में आगे जाकर न्यू ग्रोथ होने के बाद अपनी अपनी कलियाँ बनेंगी और गुच्छे में फूल खिलेंगे। तो ये हर प्लांट में होता है, मोस्टली हर प्लांट में होता है ऐसे ही, कि फ्लावर सूखने के बाद उसमें डबल शूट्स आएंगी और जो न्यू शूट्स रहेंगी, चाहे गुलाब का पौधा हो, चाहे वो टेकोमा का प्लांट हो, चाहे मधुमाल मधुकामिनी हो, हर प्लांट में जो न्यू शूट्स होगी वो ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग करेगी, और ज़्यादातर न्यू शूट्स पे ही नई नई कलियाँ बनती हैं और उसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। बाकी इंसेक्ट तो इन प्लांट्स में रहते ही हैं, जैसे कि एक छोटी सी मकड़ी, तो ये भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये पेस्ट कंट्रोल का काम करते हैं, और आपके प्लांट पे एफिड अटैक वगैरह अगर कुछ होता है तो ये उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। अब देखिए, इसकी मिट्टी कुछ इस तरह से है, तो बीच में हम इसमें दो तीन मुट्ठी गोबर की खाद डाल देते हैं जब हमें लगता है कि इसको खाद की ज़रूरत है। एक आयरन रॉड लगाई हुई है सपोर्ट देने के लिए, जिससे पौधा सीधा चले। बाकी ग्रो बैग में ये प्लांट है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, अच्छी सनलाइट दीजिए, कम से कम 4 घंटे की सीधी धूप प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, और बीच बीच में खाद देना भी ज़रूरी है, और नमी इस प्लांट के लिए हल्की रखिए, बहुत ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं होती है। थैंक यू।